हांडी भी यहाँ पे मैंने रखवा ली है आपको हांडी दिखाने के लिए कि भाई एक्चुअली है ना जो मटन जो बन रहा है ना यहाँ पे वो क्या है। रोगन देखो, इसका कलर देखो, इसका ग्रेवी देखो आप। नमस्ते शैलेश जी, ये हमारी पूरी स्पेशल हांडियां हैं। अगर उन्होंने मेरे यहाँ का चंपारण मटन खाया है, कहीं और कभी चंपारण जयपुर में खाते हैं तो दे विल जज। चंपारण मटन की धूम मची हुई है भाई। ये 1.5 किलो मटन है, ये मसाले स्पेशली हम केरला से मंगाते हैं। के बीच। ये एक पीस गार्लिक का, ये अपने आप में एक मटन के पीस का काम करता है। ऑयल हमने फाड़ के रखा है। मैम, एक बार हांडी यूज होने के बाद दोबारा करते हो या फिर? बिल्कुल नहीं, इसको बनाते बनाते ना मेरा भी मन कर जाता है खाने के लिए। मेरे बच्चे बहुत शौकीन है। अब भाई अब वेट नहीं होता भाई, ये चेक करो भाई साहब, ये इनका चिकन यहाँ पे आ चुका है। ओए होए होए, परांठे के साथ ये पीस चेक करो भाई, मटन की जान गार्लिक, ओए होए, प्योर हेवन। तो भाइयों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों आज मैं है ना सिरसी रोड की तरफ आया हूँ, एक प्लेस दिखाने जहाँ पर ना भाई चंपारण मटन की धूम मची हुई है भाई। जयपुर में बहुत ही लिमिटेड प्लेस है जहाँ पर ये अहुना हांडी चंपारण वाला कॉन्सेप्ट है, और ये चीज है ना आपको यहाँ पे मिल रही है भाई। यहाँ पर मैम है जो बहुत टाइम से सर्व कर रही है, बहुत टाइम से अपना ये एक्सपेरिमेंट करते 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 आज उस लेवल तक आ चुकी है जो बहुत ही शानदार हांडी मटन आपको सर्व कर रही है। आ जाओ अंदर चलते हैं, मैम से बात करते हैं। और ये देख लो भाई, चंपारण मटन एंड चिकन नंबर वगैरह आपको दिख ही रहा है, ये प्लेस है। ये देख लो पारुल्स किचन, पहले भी यहाँ की वीडियो बना चुका हूँ बट भाई बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे कि बंद है बंद है बंद है, क्या कुछ क्योरी है, सब कुछ मैम से पूछते हैं और बात करते हैं। आ जाओ। तो भाई एक बार है ना लोकेशन समझ लो, देखो ये है वैशाली नगर से रोड आ रहा पाछेवाला की तरफ। मैंने आपको बताया था सिरसी रोड नहीं है, वैशाली नगर से जब आप पाछेवाला की तरफ आओगे ना तब आपको बीच में ये दिख जाएगा आपको पारुल्स किचन। और भाई इधर साइड अगर आप जाते हो तो इधर आपको रंगोली गार्डन मिलेगा, रंगोली गार्डन की जो बिल्डिंग वगैरह ना वो, या फिर गूगल पे लोकेशन है इनकी वो डाल के आ सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं इनकी लोकेशन डालूंगा तो जस्ट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पहुँच जाओगे। नमस्ते शैलेश जी। नमस्ते मैम, कैसे हैं? स्वागत है फिर से आपका पारुल किचन में। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैंने सुना था ये रेस्टोरेंट अभी कुछ दिन के लिए डिसकंटिन्यू हो गया था, क्या हो गया था? नहीं डिसकंटिन्यू नहीं हो गया था, एक्चुअली हमने इसको टेम्परेरली क्लोज कर रखा था 1 मंथ के लिए, बिकॉज हम लोग इस पर और वर्क कर रहे थे टेस्ट एनहांसमेंट को लेकर, सिस्टम को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, तो हमने इसको टेम्परेरली बंद कर रखा था। वापस से हमने 4 अगस्त से इसको स्टार्ट कर दिया है। अच्छा वापस स्टार्ट कर दिया? जी जी, अब प्रॉपर अब हमने प्रॉपर स्टार्ट कर दिया है, बेटर टेस्ट के साथ, प्रॉपर डाइनिंग के साथ, इवन वी आर रेडी टू सर्व पार्टी ऑर्डर्स एज वेल। तो अब हम आपको पूरी तरह से हर तरह से चंपारण मटन और चिकन को सर्व कर पाएंगे। यहाँ पे हांडियाँ भी लग रही हैं क्या? ये बिल्कुल, ये हांडियाँ प्रिपरेशन चल रही है इनकी। अच्छा। मटन की और चिकन की हांडियाँ इसके अंदर, और इसके हटाएंगे मैम? बिल्कुल हटाएंगे। ये देखिए मटन की हांडी है, कुक हो रही है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम मटन की हांडी को स्लो फ्लेम पे कुक करते हैं। ये हमारा है प्रिपरेशन एरिया जहाँ पे हम मैरिनेशन प्रोसेस करते हैं। ये हमारी पूरी स्पेशल हांडियां हैं जिसे बनाते हैं। ये कहाँ से ले रहे हो आप? ये अलवर के आसपास की हांडियां हैं, ये राजस्थान की हैं, ये यूपी बिहार की हांडी नहीं है। मिट्टी की क्वालिटी इसमें डिफरेंट है। अगर आप यूपी और बिहार की मिट्टी की हांडी देखेंगे तो वो अलग क्वालिटी की है, उसे प्रिपरेशन मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, पर चूंकि राजस्थान की हांडी है तो इसमें हम प्रिपरेशन मेथड टाइमिंग का उसमें ख्याल रखते हैं। मैम ये हांडियां थोड़ी सी बड़ी भी है साइज में देखा जाए जी तो। हाँ, इसमें 1.5 किलो मटन एक बार में हम बनाते हैं, चंपारण मटन। चंपारण चिकन भी हम लोग इसी के अंदर बनाते हैं, तो 1.5 किलो चंपारण मटन जो हम एक बार में बना रहे हैं, जिसको हम पार्टी हांडी भी बोलते हैं, वो पार्टीज के लिए डेफिनेटली कस्टमर्स प्रायर ऑर्डर करके भी मंगवाते हैं और बुक करते हैं, और नहीं तो हम इसी में से पोर्शन वाइज भी सेल करते हैं, और पोर्शन वाइज हम इन हांडीज में सर्व करते हैं। ये पैकिंग हांडीज हैं हाफ प्लेट और फुल प्लेट के हिसाब से। तो ये पर्टिकुलरली हांडी, ये हमारी पैकिंग हांडी है जिसको हम आटे से सील करके कस्टमर को डिलीवर करते हैं। बताइए जैसे अगर अपन इस चीज़ को किसी एल्युमिनियम के बर्तन में या फिर कॉपर के बर्तन में पकाएं, मिट्टी में नहीं पकाएं, तो उसमें टेस्ट में कितना डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा बताओगे? कस्टमर्स को अपना पता चल जाएगा। अगर उन्होंने मेरे यहाँ का चंपारण मटन खाया है और वो लोग कहीं और कभी चंपारण जयपुर में खाते हैं, सो दे विल जज डेफिनेटली। मुझे इसमें एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 100% स्लो फ्लेम के साथ मिट्टी की हांडी में चंपारण खा रहे हैं, और वहीं वो अगर 10% 15% भी एल्यूमिनियम में, कुकर में या किसी और बर्तन में कुक हो जाएगा,
तो डिफरेंस कस्टमर को पता चल जाएगा। तो गाइस एक काम करते हैं, इसलिए एक चीज और ऐड करूं। जी प्लीज। मैं इसमें ये और ऐड करूंगी कि हम स्पेशली कस्टमर्स को जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको हम लोग यही बोलते हैं कि आपको अगर इसको रीहीट करना है, होम डिलीवरी हो चाहे जोमेटो स्विगी से मंगाया हो या मेरे थ्रू मंगवाया हो, तो मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग इसको रीहीट एल्यूमिनियम के किसी बर्तन पे ना करें। okay. स्टील के बर्तन में ये इसको रीहीट कर सकते हैं। माइक्रोवेव तो डेफिनेटली बिग नो है। okay. क्योंकि अगर आप, मेरा ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, इस किचन में ना तो माइक्रोवेव है, ना ही कोई प्रेशर कुकर है, और ना ही कोई इस तरह के कोई बर्तन है जिससे कि हम इसको मटन या चिकन को कुक कर सके। मेरे यहाँ पे गैस का बर्नर सिर्फ रीहीट करके कस्टमर को सर्व करने के काम आता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब एक काम करते हैं, सारी चीज़ मैम ने आपको एक्सप्लेन करी दी, अब एक काम करते हैं, ये हांडिया सारी चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, अब मैडम एक बार प्रोसेस दिखाओगे किस तरह से बनाते हो? बिल्कुल दिखाएंगे आपको प्रोसेस, रिफाइंड प्रोसेस दिखाएंगे। ये मेरा यहाँ का फ्रेश मटन है, ये 1.5 किलो मटन है भैया, हटना थोड़ा सा, 1.5 किलो मटन है, पर पीस अप्रोक्सीमेटली 80-85 ग्राम का रहता है ये। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब हमारा एक फुल हांडी बनता है तो 1.5 किलो रॉ मटन होता है, लेकिन आफ्टर प्रिपरेशन ये मोर देन 3 kg हो जाता है, बिकॉज जितना मटन है उतना ही हमारे यहाँ पे प्याज लिया हमने। अच्छा, उतना ही अनियन डलता है। यस, अनियन का स्लाइसेस आप ये देखिए, जितना मटन है क्वांटिटी में वेट वाइज उतना ही प्याज है, अनियन है, स्लाइस्ड अनियन है, और ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं। क्या-क्या है ये साबुत मसाले? दालचीनी, खसखस, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, जावित्री। खसखस यूज करते हैं आप? बिल्कुल, अफीम के बीज थोड़ा सा यूज करते हैं, बहुत टेस्ट को एनहांस कर देता है। यही एक रिफाइंड प्रोसेस है जो हमने इसमें एड ऑन किया है, और ये पत्थर के फूल है इसके अंदर। इन मसालों का सबसे बड़ा रोल ये है, क्योंकि ये मसाले स्पेशली हम केरला से मंगाते हैं विद जीरो कॉम्प्रोमाइज, ये कहीं भी और से नहीं आते, एक ही वेंडर है हमारा केरला का, उसी से ही हम ये खड़े मसाले मंगाते हैं। टेस्ट वाइज ये 100 times बेटर है जो यहाँ जयपुर में मसाले सर्व होते हैं। बहुत बढ़िया मैम, ये क्या क्या स्पाइसेस रखे हैं यहाँ पर? बहुत सारे दिख रहे हैं, चार तो मैं जानता हूँ, उसके अलावा क्या क्या है? ये कुछ इसमें लाल मिर्च पाउडर है, और ये एक मिर्च पाउडर जो हमने इसमें थोड़ा सा कुछ मिक्स करा है अपना स्पेशल मसाला, हल्दी है, और गरम मसाला पाउडर है, एक हमारा पालू किचन का स्पेशल मसाला जो मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये साबुत लहसुन है अलोंग विद जो हम लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें डालते हैं चंपारण में, उसके अलावा हम ये लहसुन साबुत डालते हैं, क्योंकि ये एक पीस गार्लिक का ये अपने आप में एक मटन के पीस का काम करता है, और इसकी बहुत डिमांड है, इसके लोग इसको अलग से रिक्वेस्ट करके भी मंगाते हैं। बहुत ही फ्रेश मटन लग रहा है मैम, ये आज हमारे लिए मंगाया है या रोज़ मंगाते हो? नहीं, रियली ऐसा आता है, कभी भी आ सकते हैं, ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, सरप्राइज विजिट कोई भी कर सकता है। बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं मैडम, अब शुरू करते हैं, किस तरह से बनाते हैं वो दिखा दो। मस्टर्ड ऑयल है जिसको गर्म करके हमने ठंडा कर दिया। अच्छा, फाड़ रखा है आपने ये, है ना? जी, फाड़ रखा है स्टीक को। अनियन डालेंगे, मैरिनेशन प्रोसेस करेंगे। जितना मटन रहता है ना उतने ही अनियन यूज होते हैं इसमें चंपारण मटन में। तो सबसे पहले ये आ गया अनियन, जो बिल्कुल रफली आप देख सकते हो फाइन चॉप किया हुआ है। हाँ जी मैम, क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें हम लोग पानी तो ऐड करते नहीं है, ये मटन है, मटन में जितने भी हमने अनियन लिए हैं ये अपने आप में पानी छोड़ता है। ग्रेवी है, इसी की बनती बिल्कुल इसी की ग्रेवी बनती है, और इसी के पानी में मटन पकता है, मटन खुद भी अपना वाटर छोड़ता है। अनियन भी हम लोग नासिक के यूज करते हैं, सीकर अनियन हम लोग यूज नहीं करते। क्या डिफरेंस रहता है मैडम? क्वालिटी का बहुत बड़ा अंतर है इसमें। सीकर का अनियन लेंगे उसमें थोड़ा मीठापन ज़्यादा होता है। okay. अब हम इस स्लाइस अनियन में फ्रेश मटन डाल रहे हैं। देखिए आप मटन की फ्रेशनेस इसका कलर से देख सकते हैं, पिंकिश कलर है। पीस का साइज उतना ही है जितना कि ये हांडी में प्रॉपरली कुक्ड हो सके, क्योंकि जो स्पेशली हमने वेंडर को बोल रखा है एक पर्टिकुलर साइज का बकरा ही हमारे काम में लिया जाता है। सारे स्पाइसेस इसके अंदर हम लोग, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट इसके अंदर हम डाल देंगे, ये साबुत लसा गार्लिक, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। इनफैक्ट मेरे डेफिनेटली मेरे फेवरेट हैं। भाई ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर डाल दिए, सारे स्पाइसेस भाई आपको पता है, ये थोड़ी जो डिश है ना इसमें ये वाले स्पाइसेस डलते हैं, और हार्मफुल नहीं है कुछ भी, आप यूं नहीं कह सकते कि अलग टाइप के स्पाइसेस हैं, सारे ऐसे स्पाइस हैं
जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके अंदर काली मिर्ची हो गई, जीरा हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके कहीं ना कहीं स्टमक के लिए भी बेनिफिशियल है। ये एंड में आ गया साल्ट। स्पेशली हमने लाल मिर्च पाउडर के फाइंड करने के लिए, एक बेस्ट लाल मिर्च पाउडर ढूंढने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, और हमने अलग अलग तरह के लाल मिर्च पाउडर इसमें इंक्लूड करके एक्सपेरिमेंट करके साबुत खड़े मसाले सारे स्पाइसेस डाल दी, पीसे हुए स्पाइसेस। अब ये साबुत स्पाइसेस हैं। क्या बात है। ये मैरिनेशन के लिए हम लोग इसमें जो ऑयल हमने फाड़ के रखा है उसको डाल के, और फिर इसको प्रॉपरली इसको मैरिनेट किया जाएगा, प्रॉपरली मिक्स करके फिर हम इसको हांडी में डाल के सील करेंगे। तो भाई अब इसका जो मैरिनेशन प्रोसेस है ना वो शुरू किया जाता है। ये हांडी आप कितने लोगों के लिए रिकमेंड करते हो? जैसे मुझे लगता है कि जिसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर नंबर ऑफ पीस की बात करूँ थोड़ा सा वेरी होता है, 20 से 22 पीस एक हांडी फुल हांडी में आपको मिलेंगे। तो डिपेंड, मुझे लगता है कि 8 से 10 लोग तो कर सकते हैं इसमें, ग्रेवी काफ़ी हो जाएगी, तो 8 to 10 पीपल के हिसाब से सर्विंग हो सकती है। अब इसमें हम, ये मिट्टी की हांडी है तो सबसे पहले गाइस इसके अंदर ऑयल डाला जाता है कि इसमें ऑयल डाल जी मटन चिपके नहीं, बिल्कुल तरह से रहता है ये। प्लस हमने इसके नीचे इसको मिट्टी का लेप भी लगा रखा है, डायरेक्ट हीट से थोड़ी सी रुकावट रहती है। हम इसको 4 घंटे तक कोयले पे रखने वाले हैं। ओके। तो ये हांडी फटनी भी नहीं चाहिए, फूटनी नहीं चाहिए, क्रैक नहीं आनी चाहिए इसमें। तो भाई अब जो मैरिनेटेड मटन है ना वो अब इसके अंदर डाला जाता है हांडी में। एज यू कैन सी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाई, क्योंकि मसाले है ना वो प्रॉपर हैं, और कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो इसमें नहीं डला हो, सारी चीज़ डल चुकी है भाई। मैम एक बार हांडी यूज़ होने के बाद दोबारा करते हो या फिर? बिल्कुल नहीं, ये हांडी यूज़ हो जाएगी तो या तो ये एज इट इज़ पूरी की पूरी हम सेल ऑफ कर देंगे, और ये हांडी को हम इसका जो मटन है उसको सेल होने के बाद इस हांडी को हम थ्रू आउट कर देंगे। Okay. ये रीयूज नहीं होती, ये ओनली वन टाइम कुक्ड हांडी है। हांडी में आपने सारा मैरिनेट कर दिया, अब ये इसको ढक के हम इसको आटे से सील नहीं करेंगे। आइए इसको बाहर लेके चलते हैं कोयले के अंदर। क्या बात है भाई, यहाँ पर देख सकते हो भाई कंटिन्यू हांडी लग रही है, और कई सारी हांडियाँ बन भी रही है। ये ढक्कन तो ये वाली हांडी यहाँ पे आ चुकी है जी। मैम अब इसको बीच बीच में छेड़ते रहोगे बस? हम इसको थोड़ा बीच बीच में संभालते रहेंगे। चलो भैया एक बार चम्मच लेके आना, ये दिखाएंगे यार कैसा कैसा बन रहा है, दिखा दो एक बार। जी सर। ये देखिए मटन, इसका एरोमा ही आपको बहुत डिफरेंट लगेगा, देखने में भी, स्मेल में भी, और टेस्ट में तो डेफिनेटली यम लगने वाला है भाई। बहुत सही लग रहा है, और साइड से जो रोगन देख रहे हो गाइस वो बहुत सही दिख रहा है भाई। देखिए सारा प्याज है मैडम, ये हांडी आपने कब पूरा प्याज कर दिया हांडी? इस हांडी को अभी 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे हो चुके हैं अभी, और 1.5 घंटा लगेगा इसमें कम से कम, क्योंकि गाइस क्या है बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं बनाते, ये देख सकते हो आप नीचे, देखो आप यहाँ पर है ना, बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं बनती है ये, सिर्फ इतने से कोयलों पे रख के बनाते हैं, तो इसीलिए इनका टाइम जो प्रोसेस है ना वो बहुत थोड़ा लंबा रहता है। हाँ जी भाई, इसको भी दिखाना है क्या है इसमें? ओ भाई साहब, नेक्स्ट वीक से मैं एक हांडी, मेरे पास डिमांड आने लग गई है, तो अब मैं एक हांडी वीकेंड पे सिर्फ वही बनाऊंगी जिसमें सिर्फ चाप और नली होगी। अरे वाह, सिर्फ चाप और नली की हांडी बनाएंगे। तो मेरे को बुला लेना डेफिनेटली। भाई ये देख रहा, ओए ओए भाई, इसको एक बार थोड़ा सीधा करना यार, ये चेक करो भाई चिकन की नहीं। आइए हम आपको इसको चेक करवा देते हैं कि कैसे, ही देखिए लग रहा है, ये देखिए कितना इसने प्याज ने अपना पानी छोड़ा है, ये पूरी ग्रेवी ये प्याज की है, प्याज और मटन ने जो अपना पानी छोड़ा ही देखिए। तो आप भी यहाँ पे कभी कभार लंच डिनर वगैरह कर लेते हो? डेफिनेटली, मेरे बच्चे बहुत शौकीन हैं। अच्छा। चंपारण चिकन बच्चे बहुत शौक से खाते हैं जी। ये देखो भाई, ये देखिए आपके पीस, अभी इसमें टाइम लगेगा और, अच्छा थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा इसमें, ये देखिए। क्या बात है भाई, ये देख लो अदला, ये दिखाना मैम, दूसरी हांडी खोलेंगे। ये देखिए इसमें मसाले कितने अच्छे से इसमें खुशबू दे रहे हैं, और ये प्याज जो है ये प्याज अपनी पूरा भी गल जाएगा, ये अभी इसमें लच्छे दिख रहे हैं प्याज के। गाइस आप देख सकते हो कितना एकदम मंदी आंच पे पक रहा है ये, बिल्कुल मंदी आंच पे पक रहा है, और ये प्याज अभी गल जाएंगे और हल्के हल्के से दिखेंगे भी प्याज। अच्छा। क्योंकि दिखना तो चाहिए कि चंपारण है। मैडम आप ये देखिए पेशेंस से काम करते हो। हम इसको एक एक हांडी बहुत पेशेंस के साथ बनाते हैं, एक एक हांडी में हम बहुत पेशेंस रखते हैं, पूरे चंपारण में हमने पेशेंस और क्वालिटी मेंटेन किया है।
मिक्स को चला दीजिए। शानदार खुशबू, इसको बनाते बनाते ना मेरा भी मन कर जाता है खाने के लिए। ये तो है मैम यार, ये बात तो सही बोल रहे हो। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ना मैम, ये देखो भाई, ये चेक करो यार, अभी पका नहीं है मटन। हाँ जी, ये चेक करो, ये है भाई प्रॉपर चंपारण अहुना मटन जो आपको जयपुर में मिल रहा है भाई। कहाँ पर मिल रहा है हम, कहाँ पे मिल रहा है? पारुल किचन्स में, डोंट फॉरगेट पारुल किचन्स। बहुत बढ़िया रंगत लग रही है गाइस। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और बनने देते हैं, फिर हम फाइनली इसको टेस्ट करके बताएंगे आपको। डेफिनेटली जरूर बताइए। हम लोग पारुल किचन आए हुए हैं, यहाँ पर है ना हांडी अहुना चंपारण मटन बन रहा है। भाइयों आपको पता है किस तरह से बनाते हैं, मैडम ने बड़ा शानदार मटन की प्रिपरेशन बना के रेडी करी है। एक बार है ना हांडी भी यहाँ पे मैंने रखवा ली है आपको हांडी दिखाने के लिए कि भाई एक्चुअली है ना जो मटन जो बन रहा है ना यहाँ पे वो क्या है। अब आप इसको प्रॉपर ढंग से एक बार चेक करो भाई, इसका रोगन देखो, इसका कलर देखो, इसका ग्रेवी देखो आप, ये चेक करो भाई, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देख सकते हो। मटन इतने बढ़िया तरीके से खुशबू आ रही ना इसमें, ये देखो ग्रेवी, ये देखो भाई ये चीज़ है ना बड़े मंदी आँच पे पका रहे हैं ये लोग। ये देखो मटन भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, जयपुर में है ना बहुत कम प्लेसेस हैं जो इस तरह की मटन की क्वालिटी दे रहे हैं। ये देखो आप, ये देखो कितना कितना बढ़िया तरीके से मटन पका है। और भाई अब है ना, और गाइज आप ये देख सकते, ये देखो अदले वाला पीस, एक सेकेंड ये चेक करो भाई अदले का पीस। और गाइज मैं आपको बताऊँ ये जो हांडी है ना, ये 1.5 किलो की हांडी रहती है इनकी। अच्छा हम लोग आउटडोर में बैठे, रोगन देखो इसका साइड से आप, ये देखो कलर, ये देखो रोगन, ओए होए, ये देखो भाई ये चेक करो भाई साहब, मुँह में पानी आ रहा है। गाइज ये यहाँ पे बन के रेडी है, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेरे लिए लगा दी है, ये इनका चिकन यहाँ पे आ चुका है, साथ में गाइज इन्होंने पराठा देसी घी के और रोटी, और ये आ चुका है भाई सैलेड जो लच्छे वाला प्याज है ना वो। अब एक काम करता हूँ इस हांडी को तो हम हटा देते हैं और टेस्ट करके बताते हैं आपको फटाफट से। अब भाई अब वेट नहीं हो रहा भाई, अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये चेक कर लो भाई, ये हांडी यहाँ पर मैम ने लगा के हमको दे दी है, और भाई ये चेक करो भाई क्या बात है भाई साहब। भाई अगर ये खाना है ना आपको तो भाई आप फटाफट से है ना फटाफट से ऑर्डर कर दो भाई मैम के पास, और ये चीज़ यहाँ पर इन्जॉय करने आ जाओ भाई। मैं आपको लिटरली बता दूँ ये एक्चुअली, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, कई लोगों को थोड़ा सा डाउट हो गया था कि प्लेस चल रहा है बंद हो गया क्या है, इन लोगों ने थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी क्लोज कर दिया था, अब ये वापस रनिंग में। अब ये देखो भाई रोटी लेते हैं गर्मा गर्म, ये देखो ओ हो 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 ओए होए 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 हो भाई, ये मुंह में पानी आ रहा है यार, ये देखो प्योर हेवन। आपको बहुत तेज भूख लग रही हो और लाइक आपका ऐसा मन कर रहा है कि नॉनवेज खाने को, इधर देखना ये देखो नॉनवेज खाने का आपका मन कर रहा है भयंकर वाला, और आपको भाई भरते ही ये हांडी मिल जाए गर्मा गर्म, और साथ में भाई साहब ये लच्छा पराठा और ये रोटी गर्मा गर्म, तो भाई किस तरह का खाओगे ना वही फीलिंग मेरे साथ है। क्या बात है यार, ये बात तो माननी पड़ेगी जिस पेशेंस के साथ ये लोग बना रहे हैं ना, क्योंकि भाई इतना पेशेंस भाई मुझ में तो नहीं है जो 3 घंटे मटन प्रिपेयर करने में लगा रहा है आदमी, तो भाई कुछ तो टेस्ट दे रहा है। और एक्चुअली गाइस इनका टेस्ट है ना बड़ा बैठा हुआ है, पिछली बार हम लोग खाए थे वो टेस्ट आज भी एग्जैक्ट मेरे को वही मिल रहा है, हल्का फुल्का कुछ इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है। भाई थोड़ी सी ग्रेवी लेते हैं गर्मा गर्म ग्रेवी, ये देखो भाई ये देखो पराठा देसी घी का पराठा, इस पराठे के साथ ये पीस चेक करो भाई, और भाई साहब ये इस मटन की जान, ओए होए गार्लिक है जोरदार। अब इसको ट्राई करूँ, ये देखना आप, ये देखो ये देखो भाई, और भाई ग्रेवी गर्मा गर्म जो हमने तुरंत हांडी में से निकाली है, और थोड़ा सा प्याज, ऑलरेडी प्याज की ग्रेवी है बट साफ कच्चा प्याज। चलो मटन तो लोग बाग खा लेते हैं, बहुत लोग हैं जो आजकल मटन पसंद कर रहे हैं, बट कुछ लोग भाई चिकन भी खाते हैं,
मटन नहीं खाते, चिकन की प्रेफरेंस रखते हैं भाई, उनको चिकन ही अच्छा लगता है। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो ये है इनका स्पेशल हांडी चिकन, जो पूरा हांडी में पकता है। और ये देखो इस तरह का गार्लिक पीसीज वगैरह सारी चीज़। तो चिकन लवर हो ना तो भाई यहाँ पे आके आपको चिकन भी मिल जाएगा। और भाई ये गार्लिक चेक करें बाप, ये हो ये चेक करें भाई साहब, इस मटन की जान। लोग बाग एक्स्ट्रा मांगते हैं, और भाई मांगेगी क्यों नहीं यार, ये चीज़ है, लिटरली चीज़ है ये, इस डिश में खाई जाने वाली यही तो चीज़ है। मटन के पीस ख़त्म होने के बाद आप खाओगे क्या, गार्लिक ही तो खाओगे। ये हांडी मटन खाना चाहते हो, रंगोली गार्डन की तरफ रह रहे हो या वैशाली नगर रह रहे हो, पांचिया वाला की तरफ आ रहे हो, बीच में आपको दिख जाएगा पारुल किचन, यहाँ पर आप आ जाओ। यहाँ पर आपको एक से एक नॉनवेज ऑथेंटिकली बनाए हुए चंपारण मटन आपको देखने को मिल जाएगा भाई। जोमेटो स्विगी भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो उसमें कर सकते हो। आप सब मिलते किसी और जगह, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों का शेयर कर दें इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच गाइस।